इसमें हताश होने की क्या आवश्यकता है देवराज? जिस प्रकार हम ऋतुओं के आदि हो गए हैं, उसी प्रकार विपदा का आदि हो जाना ये हमारे हित में ही होगा। नारायण नारायण। अब क्या होगा देवराज? यही अग्निदेव ने भी सोचा होता कि भविष्य में अब क्या होगा। वे नहीं सोच सके, किंतु अब हमें तो सोचना ही होगा देवराज। महिषासुर को उसकी माता श्यामला ने अग्नि में जन्म दिया है, अर्थात इस दानव की शक्ति में वृद्धि हुई है। दानव शरीर से तो शक्तिशाली होते ही हैं, केवल मन, आत्मा और बुद्धि से ही दुर्बल होते हैं। किंतु युद्ध तो शरीर ही करता है। और ये दानव महिषासुर स्वर्ग पर अधिकार करने की घोषणा जन्म लेते ही कर चुका है, अर्थात देव दानव युद्ध अवश्य भावी है। महाबली महिषासुर की जय। महाबली महिषासुर की जय। महाबली महिषासुर की जय। महाबली महिषासुर की जय। महाबली महिषासुर, ये वो सिंहासन है जिस पर आपके पिता और उनके भाई आसीन हुआ करते थे। आपके पिता दानवराज रंभ ब्रह्मा जी की आराधना अधूरी छोड़कर चले गए। अब ये कार्य आपको पूर्ण करना होगा। इस कार्य को पूर्ण किए बिना पूर्वजों की महत्वाकांक्षाएं पूर्ण नहीं होगी। हम अपने पिता की चिता से उत्पन्न हुए हैं यक्षराज, और उनकी आत्मा की प्रतिध्वनि हमारे भीतर गूंज रही है। हमारे सामने वो सब दृश्य स्पष्ट हो रहे हैं जो हमारे पिता ने अपने जीवन काल में देखे थे। दुष्ट इंद्र ने मायावी मगर बनकर हमारे चाचा करंभ को जीवित निगल डाला। वही इंद्र हमारे पिता का वध करने भी आया था, किंतु अग्निदेव ने उनकी रक्षा की और इंद्र अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। इंद्र हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और जब तक हम इंद्र को दंडित नहीं करते हमारे मन को शांति नहीं होगी। हाँ महाबली, इसमें संदेह नहीं कि इंद्र ने आपके वंश को मिटाने का पूरा प्रयत्न किया था, किंतु विधाता की इच्छा के विरुद्ध वो कुछ कर नहीं सका। किंतु ये भी सत्य है कि इंद्र अत्यंत अभिमानी है। अभिमान के वशीभूत होकर ही उसने हम यक्षों को अपमानित और प्रताड़ित कर स्वर्ग से बहिष्कृत किया था। उस अभिमानी का अभिमान हम अवश्य खंडित करेंगे। वह तो करना ही होगा। अभिमान में चूर इंद्र ने आपके पिता के रक्षक अग्निदेव को भी देवताओं के स्थान से पदच्युत कर अपमानित किया। देव दानव मानव सभी उसके द्वारा पीड़ित हुए हैं, सभी उससे प्रतिशोध लेना चाहते हैं। किंतु अब तक किसी ने प्रतिशोध दिया नहीं। कैसे लेंगे? उसके अन्याय और अनीति का विरोध सभी करते हैं, सभी उससे प्रतिशोध लेना चाहते हैं, किंतु इंद्र की कुटिलता क्रूरता और दुष्टता के कारण किसी का वश नहीं चलता। ऐसा नहीं है यक्षराज संभरण, उसकी कुटिलता और दुष्टता का वश हम पर नहीं चलेगा। मेरा भी मानना यही है महाबली महिषासुर, कि इंद्र का सामना आप जैसा बलशाली दानव ही कर सकता है। यक्षराज, प्रतिशोध की भावना भुजाओं में महाशक्ति उत्पन्न कर देती है, और उस पर यदि प्रतिशोध किसी दानव का हो तो महाशक्ति के विस्तार का अंत ही नहीं होता। मैं आपसे सहमत हूँ महाबली, किंतु इतने पर भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधान? हमें किससे सावधान रहना होगा? क्या इंद्र से? हाँ दानवराज, कारण कि आपके पितामह धनु ने ब्रह्मा जी से वरदानी शक्ति प्राप्त किए बिना ही स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था और उन्हें परास्त होना पड़ा था। इंद्र ने अपनी दिव्य शक्ति के बल पर ही उन्हें पराजित किया था। अतः इंद्र पर आक्रमण करने से पूर्व आपको ब्रह्मा जी से वरदानी शक्ति प्राप्त करनी ही होगी। जिसे ब्रह्मा जी की वरदानी शक्ति प्राप्त होती है उसका इंद्र की दिव्य शक्ति कुछ भी अहित नहीं कर सकती। यक्षराज, आप यही कहना चाहते हैं ना कि हमें ब्रह्मा जी की तपस्या करने के बाद ही इंद्र के सामने जाना चाहिए? हाँ महाबली, मेरा अभिप्राय यही है। तो ठीक है यक्षराज, हम अपने पिता के समान पंचाग्नि तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करेंगे और उनसे वरदान प्राप्त करेंगे।
हम उस दुष्ट इंद्र को बताएंगे कि दानवों और निर्दोष यक्षों को पीड़ा देने का परिणाम क्या होता है। महाबली महिषासुर की जय। दानव वीर महिषासुर की जय। देवर्षि आप आए, आपने देखा और जाने लगे, कुछ कहा नहीं। देवराज इंद्र, मैं क्या कहूं, आप मुझसे क्या सुनने की अपेक्षा रखते हैं? देवर्षि, देवताओं के शुभचिंतक से शुभचिंतन की ही अपेक्षा रख सकते हैं। देवर्षि, वैसे हम और आप जो देख रहे हैं उसका प्रारंभ ही हम देख चुके हैं। आप महिषासुर के जन्म की चर्चा कर रहे हैं देवराज? उस चर्चा से इस दृश्य का महत्व तो अधिक हो गया देवर्षि। आप फिर चिंतित हो गए देवराज? चिंता का विषय तो आपके सम्मुख है देवर्षि। महिष के सींगों वाला यह असुर उसी समय से भीतर चिंता बनकर आ बैठा है। अब तो यह महाचिंता बन चुका है। कृपा कर इस विपदा से मुक्त होने का उपाय बताएं देवर्षि। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, मेरे बताए गए उपाय आपके लिए अपनाना संभव ही नहीं, आप उन्हें अपनाएंगे ही नहीं, ये मैं भली भांति जानता हूँ। इसीलिए इस विषय में मेरा मौन रहना ही उचित है। देवर्षि नारद, सारा जगत जानता है कि आप देवताओं के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, है अथवा नहीं? मैं सभी का शुभचिंतक हूँ और सभी का शुभचिंतन भी करता रहता हूँ। आप देवर्षि है ना, अर्थात देवताओं के ऋषि, तो सर्वप्रथम अधिकार आप पर देवताओं का है। आप कृपया कर देवताओं को इस नए संकट से मुक्ति दिलाएं और आपका देवर्षि नाम सार्थक करें। उत्तम, अति उत्तम। देवी शची, आप तो राजनीति की भाषा बोल रही हैं। वाह, मैं तो केवल आपको अपना कर्तव्य का ज्ञान करा रही हूँ देवर्षि। देवी शची, कर्तव्य के ज्ञान की शिक्षा के आप मुझे आपसे प्राप्त करनी होगी। मैं अपने कर्तव्य से कभी भी मुक्त नहीं होता और कृपया कर आप मुझे इसका स्मरण न कराएं। उत्तम तो यही होगा कि आप इस बात पर ध्यान दें कि आपके पति देवराज इंद्र अपना कर्तव्य निभाते हैं या नहीं। स्वामी, दुखी ना हो देवी शची, दुखी ना हो। नारद को अपने देवर्षि होने पर अभिमान हो गया है, इसीलिए वे हमसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहे। पर वे आपके कर्तव्य का भी स्मरण करा गए हैं। वो कर्तव्य कौन सा है स्वामी, ये मैं तो नहीं समझ सकी, आप ही समझाएं। ओह, तो अब तुम भी आ गई नारद लीला के चक्कर में। हम तो सदा ही अपना कर्तव्य पूर्ण करते आए हैं, एक क्षण का भी विलंब नहीं किया है हमने अपने कर्तव्य पूरा करने में। अचानक देवराज कहाँ चले गए? मुझे कैसे ज्ञात होगा कहाँ चले गए, आप ही पता लगाइए। Oh,
जानता हूं अग्निदेव कि तुम कब तक इस पुष्ट की रक्षा कर सकोगे। दृश्य हो गए थे देवराज, और नाग का रूप आपने क्यों धारण किया? क्या आप देख नहीं रहे हैं कि जब तक के प्रभाव से हमारा शत्रु अजय होता जा रहा है, हमारे सारे प्रहार व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। यदि आप हमारी सहायता करना ही चाहते हैं तो तुरंत अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करें। आप दोनों क्या विचार कर रहे हैं? अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? शक्ति का प्रयोग करें और शीघ्र महिषासुर को समाप्त करें। आप दोनों बोलते क्यों नहीं? क्या विचार कर रहे हैं? देवराज, विचार केवल इतना ही है, जब आपकी शक्ति का महिषासुर पर प्रभाव नहीं हुआ तो ऐसे में क्या हमारी दिव्य शक्ति उसे विचलित कर सकेंगी? हाँ देवराज, जब आप उस पर विजय पाने में असमर्थ रहे तो क्या वो हमारे वश में आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्या आपकी और हमारी शक्तियों में अंतर नहीं है? अब आप दोनों यहाँ खड़े खड़े प्रश्नोत्तर ही करते रहेंगे अथवा हमारी सहायता भी करेंगे? तनिक प्रयत्न करें। आपकी आज्ञा मानकर हम प्रयत्न भी कर लेते हैं देवराज। यह भी स्पष्ट कर दूं कि आपकी सारी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध होगी। आपके प्रत्येक प्रहार के पश्चात महिषासुर और भी अधिक बलवान होता चला जाएगा। तो फिर हम क्या करें देवर्षि? हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे? अपने शत्रु को बलवान होने दें ताकि समय आने पर वो हमें नष्ट कर दे? आपसे सहायता के लिए कहा तो आप तो मुंह मोड़कर चले गए।
आप ना तो हमारी सहायता करते हैं और ना हमें कुछ करने देते, तो फिर हम खड़े तो क्या खड़े? देवराज, आपका शत्रु जिसे आप नष्ट करना चाहते हैं, वो इस समय क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ये आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि वो कठोर तपस्या कर रहा है। हाँ, अब इतना और बता दे कि वो कठोर तपस्या क्यों कर रहा है? तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए, हमसे स्वर्ग हरण के लिए और देवता और मानवों पर अत्याचार करने के लिए। और अब आप ये भी जानते हैं कि उसे ये सब करने के लिए परमपिता ब्रह्मा जी का वरदान चाहिए और कठोर तपस्या के बल पर वो वरदान प्राप्त भी कर लेगा। अवश्य कर लेगा देवर्षि, अवश्य कर लेगा, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी दानव ने अपनी तपस्या पूर्ण की हो और उसे ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त ना हुआ। बस 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 बस, मेरा अंतिम प्रश्न देवराज, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि एक दानव कठोर तपस्या करके परमपिता ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर सकता है और उस वरदानी शक्ति से हरण, हत्या, अनाचार, अत्याचार कर सकता है, फिर आपके साथ कौन सी विवशता है? आप स्वर्गाधिपति होकर भी परमपिता ब्रह्मा जी अथवा भगवान भोलेनाथ की कठोर तपस्या करके उनसे वरदान नहीं प्राप्त कर सकते, उस वरदानी शक्ति से स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते, शक्ति संचित करके महिषासुर को पराजित नहीं कर सकते? बताएं देवराज, बताएं आपके साथ कौन सी विवशता है? विचार करें आप देवराज, जगत यदि यह सत्य जान गया कि एक दानव तपस्या करने में समर्थ है, कठोर तपस्या करके परमपिता ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने में समर्थ है और अपनी अनुचित महत्वाकांक्षाओं को भी पूर्ण करने में समर्थ है, किंतु स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र तपस्या करने में असमर्थ है, स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ है, नारायण नारायण, आपकी कैसी छवि का निर्माण होगा उनकी दृष्टि में, इसका भी कभी विचार किया है आपने? आप मौन क्यों हैं? मेरे प्रश्न का उत्तर दे देवराज, क्या आपका मौन इस सत्य की स्वीकृति है कि दानव देवताओं से अधिक शक्तिशाली, समर्थ और श्रेष्ठ है? नहीं, ऐसा नहीं है देवर्षि। तो क्या दानव देवताओं की अपेक्षा अधिक सक्रिय हैं, परिश्रमी हैं, तपस्या करने में समर्थ हैं? ऐसा भी नहीं है देवर्षि। तो फिर कैसा है देवराज, कैसा है? आपने अभी तक तपस्या आरंभ क्यों नहीं की? आप महिषासुर की कठोर तपस्या से भयभीत होकर अनुचित व्यवहार तो करने लगे, किंतु उससे भी अधिक कठोर तपस्या करके स्वयं को उससे अधिक शक्तिशाली बनाने का कार्य आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया देवराज? आप यदि स्वयं को और स्वर्ग को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो महिषासुर से भी अधिक कठोर तपस्या करें और परमपिता ब्रह्मा जी, भगवान भोलेनाथ और श्रीहरि विष्णु को प्रसन्न करें। इसके अतिरिक्त आपकी सुरक्षा का अन्य कोई उपाय नहीं है देवराज। नारायण नारायण। देखा आपने, देवर्षि नारद हमें तपस्या में संलग्न करके निष्क्रिय कर देना चाहते हैं, उधर हम तपस्या करते रहेंगे और इधर महिषासुर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर हमारे स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लेगा। पता नहीं क्यों देवताओं के हित चिंतक देवर्षि देवताओं का अहित विचारने लगे हैं। अर्थात आप तपस्या नहीं करेंगे? नहीं, हम ये मूर्खता कदापि नहीं करेंगे। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। Thank you.
पिता ब्रह्मा जी को पुत्र नारद का प्रणाम। परमपिता, महिषासुर की तपस्या खंडित करने और महिषासुर पर प्रहार करने के देवराज इंद्र के सभी प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए हैं। महिषासुर की तपस्या भंग नहीं हुई। क्या आप सदा की भांति इस असुर को भी आप वरदान देकर बलशाली बनाएंगे और फिर अत्याचार, अनाचार, दुराचार, युद्ध, हरण, वे सभी कथाएं पुनः दोहराई जाएंगी? नारद, तुम भली भांति जानते हो कि तपस्या करने वाला मानव, दानव, देवता कोई भी हो, उसे इच्छित फल देना आराध्य का कर्तव्य है और परंपरा भी है। किंतु परमपिता, इसका अर्थ तो यही हुआ कि महिषासुर इच्छित वरदान पाएगा और वरदान प्राप्त करने के पश्चात मानवों और देवताओं पर अत्याचार भी अवश्य करेगा। कैसे बताएं नारद, जो भी होगा विधि के विधान के अनुसार ही होगा। नारायण नारायण। आओ नारद, हम तुम्हारा स्मरण कर रहे थे। ये तो चमत्कार हो गया, ये तो चमत्कार हो गया प्रभु कि आप मेरा स्मरण करने लगे। जगत तो यही जानता है कि नारद हर समय हर घड़ी नारायण नारायण का स्मरण करता है। अब आप ये बता दें कि आप मेरा स्मरण किस कारण कर रहे थे। यही बताने के लिए कि तुम्हारे मन में उठ रहे प्रश्नों का समाधान हम नहीं कर पाएंगे नारद। कारण प्रभु? भगवान शिव की इच्छा और सृष्टि के विधान के अनुसार हम ये रहस्य प्रकट नहीं कर सकते नारद, जो तुम जानना चाहते हो। अरे प्रभु, नारद कहाँ रहस्य जानना चाहता है। नारद तो केवल रहस्य का संकेत मात्र जानना चाहता है। आप अपने परम भक्त को रहस्य का संकेत भी नहीं देंगे? अवश्य देते, यदि हम ये नहीं जानते कि तुम इस जगत में रहस्य और संकेत के एकमात्र विशेषज्ञ, व्याख्याता और विवेचक हो। नारद, तुम्हें संकेत मिल गया तो फिर शेष ही क्या रह गया। बीज को हाथ में लेते ही उसको वृक्ष बनाकर उसके फलों, फूलों और पत्तों की गणना करने का कार्य इस जगत में केवल तुम ही कर सकते हो नारद। नारायण नारायण। तो क्या भगवान आज नारद की प्रश्नोत्तर की झोली खाली रह जाएगी, मैं निराश लौट जाऊं? नहीं नारद, तुम्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है भगवान भोलेनाथ तुम्हारी झोली भर दें। जाओ नारद, तुम कैलाश जाओ। नारायण नारायण। पार्वती, देवी पार्वती। ओम नमः शिवाय। तो नारद, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु तुम्हारे जिस प्रश्न का समाधान नहीं कर सके वो तुम हमसे पूछने आए हो। सत्य तो यही है। सत्य ये भी है नारद कि यदि प्रश्न का उत्तर देना ही होता तो वे भी दे सकते थे। जब वे ही नहीं दे सके तो हम भी कैसे दे सकते हैं। अब प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं। महिषासुर, जय हो ब्रह्मदेव, जय हो। हमारे आराधक महिषासुर,
हम तुम्हारी एक निष्ठ तपस्या से प्रसन्न हुए। ब्रह्मदेव, मैं आपके दर्शन पाने के लिए व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हारी व्यग्रतापूर्ण तपस्या ही हमें तुम तक ले आई है महिषासुर। कहो क्या चाहिए तुम्हें? मैं अमर होना चाहता हूँ ब्रह्मदेव। अपने पितामह और पिता की भांति मैं मरना नहीं चाहता। यदि मेरी तपस्या की शक्ति को आप स्वीकार करते हैं तो मुझे अमरता का वरदान दीजिए। महिषासुर, तुमसे पहले सभी दानव तपस्वियों ने हमसे अमरता का ही वरदान मांगा था, किंतु आज तक हमने ऐसा वरदान किसी को नहीं दिया और भविष्य में किसी को देंगे भी नहीं। तुम्हें भी ऐसा वरदान प्राप्त नहीं होगा। ऐसा क्यों ब्रह्मदेव? इसलिए कि किसी को अमर बनाना हमारी शक्ति से परे है। जो जन्म लेता है उसका मरण निश्चित है। विधि का यही विधान। मैंने किसी माता के उदर से जन्म नहीं लिया है ब्रह्मदेव। मैं अपनी माता और पिता की चिता से प्रकट हुआ हूँ। चिता में भी तुम माता के कारण ही प्रकट हुए थे। प्रकट होना और जन्म लेना पर्याय शब्द हैं। जिस क्षण तुम प्रकट हुए थे उसी क्षण तुम्हारे मरण का समय निश्चित हो गया था। तुम जैसे वीर दानव को मृत्यु से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूं तुम दानवों में अति असाधारण दानव हो और सदा असाधारण जीवन ही जियोगे। अमरता के अतिरिक्त तुम जो वरदान मांगोगे तुम्हें मिलेगा। आप सत्य ही कह रहे हैं ब्रह्मदेव। मरण से भयभीत होना हम दानवों को शोभा नहीं देता। अब यदि आप दे सकते हैं तो मुझे मनमोहक व्यक्तित्व, अपार शक्ति, इच्छानुसार रूप धारण करने की क्षमता तथा इच्छा से सेना अस्त्र शस्त्र प्रकट करने का सामर्थ्य प्रदान करें। इस जगत में देवता, दानव एवं मानव कोई भी मेरा संहार करने में समर्थ ना हो। तो फिर अपनी मृत्यु का कारण तुम स्वयं निश्चित कर लो महिषासुर। तुम जैसे वीर को वीरगति प्राप्त होनी चाहिए। असाधारण जीवन जीने वाले के लिए साधारण मृत्यु अशोभनीय है। तो फिर ब्रह्मदेव मुझे किसी स्त्री के हाथों से मरने का वरदान दें। स्त्री अबला होती है और जो अबला होगी वो मुझे मारने का साहस ही नहीं कर पाएगी। स्त्री अबला होती है अथवा सबला, यहाँ इस समय यह विषय नहीं है। हम तो तुम्हें तुम्हारा इच्छित वरदान देंगे ही। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारा मरण किसी देव, दानव या मानव के द्वारा न होकर एक स्त्री के हाथों होगा। तथास्तु। मुझे अपनी वरदानी शक्ति को परखना चाहिए। मनमोहक व्यक्तित्व, मुकुट, अस्त्र, शस्त्र। महाबली महिषासुर की जय। दानव वीर महिषासुर की जय। महाबली महिषासुर की जय। दानव वीर महिषासुर की जय। महाबली महिषासुर की जय। दानव वीर महिषासुर की जय। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आश्चर्यचकित होने का कोई कारण नहीं है। यह अट्टहास महिषासुर को परमपिता ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त वरदान की प्रसन्नता का परिणाम है। उसे इच्छित वरदान प्राप्त हुआ है देवराज। अब वो देव, दानव अथवा मानव किसी के भी द्वारा मर नहीं सकता। अतः बुद्धिमानी इसी में है कि आप उसे मारने का विचार त्याग कर चुपचाप उसकी शरण में चले जाएं। देवर्षि,
आप क्या यहाँ हमें कायरता को उपदेश देने आए हैं? नारायण नारायण, क्या करूं देवराज, वीरता का उपदेश आप समझते कहाँ हैं? एक हितैषी होने के नाते मैंने आपको तपस्या करने का परामर्श दिया था। देवर्षि, यदि आप हमारे हितैषी होते तो अपने पिता ब्रह्मा जी को महिषासुर को वरदान देने से रोकते, किंतु आपने वैसा नहीं किया, अतः अब हमें भी आपके परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं है। नारायण नारायण, अभी वो युग और समय नहीं आया देवराज कि पुत्र पिता को रोक सके। हमारी परंपरा में अब भी पिता को ही पुत्र को रोकने का अधिकार प्राप्त है, और अब तो अभिमान के कारण आपके भाव और भाषा दोनों ही कठोर हो चुके हैं। मैं तो अपना परामर्श अपने साथ ले ही जा रहा हूं देवराज, क्योंकि अब आपको इसकी आवश्यकता नहीं रही। किंतु इतना स्मरण रहे कि अभिमान ही सदा पतन का कारण बनता है, और ये सत्य शीघ्र ही आपके सामने प्रकट भी हो जाएगा। नारायण नारायण। देवगण, युद्ध की तैयारियां आरंभ की जाए। सुरराज महाबली महिषासुर की जय। महाशक्तिशाली दानववीर महिषासुर की जय। असुरराज महाबली महिषासुर की जय। दानव एवं यक्ष वीरों, हमने समस्त पृथ्वी लोक को अपने अधीन करने का निश्चय किया है। जो राजा हमारा आधिपत्य स्वीकार नहीं करेगा उसे हम अपने बाहुबल से अधीन करेंगे अथवा समाप्त कर देंगे। जो ऋषि मुनि अपना यज्ञ भाग आज तक देवताओं को देते आए हैं अब हमें देंगे। जो ऐसा नहीं करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। पृथ्वी लोक के साथ साथ पाताल लोक भी हम दानवों के अधीन होगा। उसके बाद स्वर्ग लोक को हम अपने साम्राज्य का अंग बनाएंगे। इसलिए विजय अभियान तुरंत आरंभ हो। असुर राज महाबली महिषासुर की जय। यशमित्रों, ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि समस्त पृथ्वी लोक और पाताल लोक हमारे साम्राज्य का अंग बन चुके हैं। पृथ्वी के समस्त राजाओं ने हमारी अधीनता स्वीकार कर हमें कर चुकाना आरंभ कर दिया है। पृथ्वी विजयी असुर राज महिषासुर की जय। पाताल विजयी महिषासुर की जय। यज्ञकर्ता ऋषि मुनियों ने भी देवताओं को यज्ञ भाग से वंचित कर हमें अपना स्वामी स्वीकार कर लिया है। समस्त दानव और मानव जाति ने हमें सम्राट का पद प्रदान किया है। अब हमारा लक्ष्य है स्वर्ग लोक, परंतु हम अपने पूर्वजों की तरह स्वर्ग लोक पर सीधा आक्रमण नहीं करेंगे।
दानवों और मानवों के समान हम देवताओं को भी अधीनता स्वीकार करने का एक अवसर देंगे। दानवों, यक्ष मित्रों, आज हमारी मित्रता और सहयोग का परिणाम हमारे सामने है। असुर सम्राट महिषासुर ने एक के पश्चात एक सफलता प्राप्त करके यह सिद्ध कर दिया है कि आज तीनों लोकों में इन जैसा महाबली और योद्धा अन्य कोई नहीं है। अब हमें शीघ्र ही स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करना है। हमें पूरा विश्वास है कि सदा की भांति स्वर्गलोक पर अधिकार प्राप्त करने में हम सफल होंगे। पृथ्वी विजयी असुर राज महिषासुर की जय। पाताल विजयी महिषासुर की जय। परिचित युवक, यह मार्ग स्वर्ग लोक की सभागृह की ओर जाता है। मानव और दानव स्वर्ग लोक में प्रवेश नहीं कर सकते। लौट जाओ यहाँ से। मैं दानवराज महिषासुर का दूत हूँ और देवराज इंद्र के लिए उनका एक संदेशा लेकर आया हूँ। आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है देवगण। दानवराज महिषासुर देवताओं के शत्रु नहीं है। उन्होंने देवराज इंद्र के लिए मैत्री का संदेश भेजा है। यदि आप मुझे देवराज से नहीं मिलने देना चाहते हैं तो मैं लौट जाता हूँ और अपने स्वामी से कह दूंगा कि देवराज आपसे मिलना ही नहीं चाहते। किंतु ये सुनकर दानवराज महिषासुर क्या करेंगे, इसकी कल्पना आप कर ही सकते हैं। दानव दूत, अरे अरे, आप उधर कहाँ जा रहे हैं? तो किधर जाऊं? आप हमारे साथ आए अपना मैत्री संदेश देवराज को सुनाने के लिए। अर्थात आपकी सहमति और स्वीकृति है कि मैं देवराज इंद्र से मिलूं? ना होने का कोई कारण ही नहीं है। आप आए हमारे साथ। दानवदूत, कह दो अपने स्वामी तुष्ट महिषासुर से कि देवता कभी दानवों से मित्रता नहीं करते। क्या कभी किसी युग में ऐसा हुआ है कि देवताओं ने दानवों से मित्रता की हो? तो ये आप कैसे संभव होगा? दानव मित्रता के योग्य है ही नहीं। देवराज इंद्र, आपने जो कुछ कहा मैंने सुना, किंतु मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करूंगा कि आप इस विषय पर शांतिपूर्वक विचार करें। रे दूत, तेरे स्वामी ने दुष्टता और धृष्टता की है तुझे यहाँ भेजकर, और उससे भी बड़ी धृष्टता तू कर रहा है हमें परामर्श देकर। तूने हमें परामर्श देने का दुस्साहस कैसे किया? देवराज, परामर्श देने के लिए दुस्साहस की नहीं सुबुद्धि की आवश्यकता होती है। अच्छा, तो तुम स्वयं को बुद्धिमान समझते हो? बुद्धिमान को बुद्धिमान तो कोई बुद्धिमान ही समझ सकता है देवराज। क्या क्या कहा तूने? यदि हम तुझे बुद्धिमान नहीं समझेंगे तो हम बुद्धिहीन अर्थात निर्बुद्धि अर्थात मूढ़ है। हमारी सभा में खड़े होकर तू हमें मूर्ख कह रहा है। परिणाम जानता है इसका? अरे मैं भी तो आपको परिणाम जान लेने के लिए तो कह रहा हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप दानवराज के संदेश पर विचार करें। शत्रु के संदेश पर विचार करें? शत्रु होते हुए भी दानवराज महिषासुर आपके स्वर्ग को नष्ट भ्रष्ट नहीं करना चाहते। क्या तुम्हारे दानवराज के चाहने से हमारा ये स्वर्ग नष्ट भ्रष्ट हो सकता है? हो सकता है देवराज, हो सकता है, किंतु ना हो इसलिए वे चाहते हैं कि आप उन्हें स्वर्ग का सम्राट स्वीकार करें और स्वयं दास बनकर स्वर्ग में ही रहें। अरे वाचाल दूत, तेरे स्वामी को तुम्हें भेंट होने पर देखूंगा, किंतु तुझे मैं इसी समय देख लेता हूं। देवराज, देवराज, दूत अवध्य होता है।
उसका वध नहीं किया जा सकता। दूध पर प्रहार करके आप स्वर्ग की गरिमा को खंडित ना करें देवराज। दानव दूत, क्या दानव राज महिषासुर ने इसके अतिरिक्त और कोई संदेश भेजा है? हाँ देवगुरु, देवताओं के लिए उन्होंने कहा है कि यदि देवता स्वर्ग छोड़कर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। ऐसा करके देवता युद्ध और पराजय से बच सकते हैं। ऐसा ना होने पर स्वर्ग पर आक्रमण और देवताओं का सर्वनाश अवश्य होगा। देवराज, दूत को मारकर अप्यश के भागी ना बने देवराज। दानव दूत, अब तुम जाओ। दानवराज महिषासुर का संदेश हमें मिल गया है। जाओ और जाकर उनसे कहो कि देवराज इंद्र को ना ही उनकी मित्रता स्वीकृत है और ना ही उनकी अधीनता। अब वो जो करना चाहे स्वतंत्र है। देवगुरु, मैं आपका संदेश दानवराज को सुना दूंगा। मुझे आज्ञा दें। प्रणाम। कल्याण हो। देवराज, अब महिषासुर द्वारा स्वर्ग पर आक्रमण निश्चित है। वो अपना अपमान सहकर चुप नहीं बैठेगा। देवगुरु, किंतु हमने तो उसका अपमान किया ही नहीं। ऐसा आप सोचते हैं और आपका ऐसा सोचना भी उचित है, किंतु वो ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि वो दानव है और दानव की सोच में अहंकार एवं दुष्टता खुली हुई होती है। वो जब किसी वस्तु, स्थान अथवा प्राणी को प्राप्त करने की अनाधिकार चेष्टा करता है और यदि उसकी प्राप्ति उसे नहीं होती तो वो उसे अपना अपमान ही समझता है और अपमानित होकर हिंसक और आक्रामक हो जाता है। यही स्थिति महिषासुर की भी होगी। आपने उसका अपमान नहीं किया, केवल उसकी अधीनता को अस्वीकृत किया है। यही अस्वीकृति उसके अहंकार को स्पर्श कर अपमान ही बन जाएगी देवराज। तो अब हम क्या करें देवगुरु? आपको तुरंत देवताओं के शुभचिंतक ब्रह्मा विष्णु और महेश से सहायता की याचना करनी चाहिए। देवगुरु, क्या हमारी याचना का कुछ परिणाम होगा? आप इतने निराश क्यों होते हैं देवराज? निराशा का कारण है देवगुरु, निराशा का कारण है। हम उन ब्रह्मा जी के पास सहायता के लिए जाएं, जो उस महिषासुर को वरदान देकर उसे उद्दंड, दुष्ट और उन्मत्त बना चुके हैं। उस दानव को वरदान देने के पश्चात क्या वो हमारी सहायता करेंगे? शत्रु को वरदान की शक्ति से संपन्न कर देने वाले ब्रह्मा जी से हम सहायता की याचना कदापि नहीं करेंगे और वो हमारी सहायता करेंगे भी नहीं। आप इस सत्य को भूल रहे हैं देवराज। ब्रह्मा जी तो परम पिता है, वो देव, दानव, मानव सभी के पिता है। उनके लिए शत्रु अथवा मित्र कोई नहीं, सभी बालक समान है। पिता के पास जो कुछ भी है उसे प्राप्त करने का अधिकार सभी बालकों को होता है। इसी अधिकार को लेकर बालक आपस में झगड़ते रहते हैं, अन्यथा पिता की दृष्टि में सब संभव है। महिषासुर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने गया, उसे वरदान मिला। आप ब्रह्मा जी से सहायता मांगने जाएंगे, आपको सहायता मिलेगी। इससे पहले भी ब्रह्मा जी आपको अनेक बार कह चुके हैं कि कठोर तपस्या करने वाले असुरों को वरदान देना उनका कर्तव्य एवं दायित्व है। अब वो अपने कर्तव्य एवं दायित्व से मुंह कैसे मोड़ सकते हैं? किंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं देवराज कि ब्रह्मा जी देवताओं के शुभचिंतक एवं सहायक अवश्य है। देवगुरु, आपने अभी अभी कहा कि उनके लिए सभी समान है, तो फिर वो हमारे शुभचिंतक क्यों है? दानवों के भी शुभचिंतक है देवराज। यदि आप अर्थ को तोड़ेंगे मोड़ेंगे तो सत्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। समदृष्टि व संभाव रखते हुए भी ब्रह्मा जी केवल देवताओं के शुभचिंतक हैं, दानवों के नहीं। कारण के दानवों की दानव वृत्ति ही जगत में अनीति तथा अन्याय को बढ़ावा देती है और देवताओं की देव वृत्ति सदवृत्ति को बढ़ावा देती है। इसीलिए ब्रह्मा जी केवल देवताओं के शुभचिंतक हैं। मेरा विचार है आप मेरा अभिप्राय समझ गए होंगे। समझ तो गया हूं देवगुरु, किंतु आप अभी तक किंतु के किनारे पर ही खड़े हैं देवराज।
आगे नहीं बढ़े। आप इस भावी सत्य को भली भांति समझ लें कि यदि शीघ्र ही आप ब्रह्म विष्णु और महेश की शरण में नहीं गए तो महिषासुर देवताओं की शक्ति को छिन्न भिन्न करके स्वर्ग पर अधिकार पाने में विलंब नहीं करेगा। आगे आप जो उचित समझे करें। स्वामी, देव गुरु का परामर्श हमारे हित में ही है। हाँ देवराज, देव गुरु जो कुछ भी कहेंगे हमारे हित में ही कहेंगे। स्वर्ग और देवताओं की सुरक्षा के लिए देव गुरु का परामर्श मान लेना अति आवश्यक लग रहा है देवराज। हमें सहायता के लिए त्रिदेव के पास जाना ही चाहिए। हाँ नारद, अब तो स्थिति ही ऐसी आ गई है कि घटनाएं शीघ्रता से घटित होंगी। चिक्षुर ने महिषासुर को देवराज इंद्र की अस्वीकृति का उत्तर सुना दिया है। महिषासुर ने तो स्वर्ग पर आक्रमण करने के पूर्व ही देवराज इंद्र के पास अपना दूत भेजा था। दानव प्रायः ऐसा न करके सीधे आक्रमण कर देते हैं। फिर भी देवराज इंद्र ने कूटनीति से इस अवसर का लाभ नहीं उठाया। यदि देवराज इंद्र ऐसा करते तो कुछ समय के लिए युद्ध टल सकता था। किंतु परमपिता, अब तक का अकाट्य और कटु सत्य यही है कि वरदानी शक्ति प्राप्त करने के पश्चात हर असुर और भी अधिक हिंसक और आक्रामक होता रहा है और युद्ध उसके लिए अनिवार्य हो जाता है। असुर अपनी वृत्ति कैसे त्याग सकता है नारद, जो सुर में न हो और शांति व प्रेम का आलाप न ले सके, उसी को तो असुर कहते हैं। किंतु कल्याण हो, कल्याण के निमित्त ही तो हम आपकी शरण में आए हैं। देवगुरु बृहस्पति ने भी यही परामर्श दिया है कि आपकी शरण में जाकर सहायता की याचना करें। तो देवराज, आप देवगुरु के परामर्श से आए हैं, हम पर अपना अधिकार व संबंध समझकर नहीं आए। देवगुरु न भी कहें तो क्या हम नैतिकता के आधार पर आपकी सहायता नहीं करेंगे? आपने अनेकों बार प्रताड़ित किया है परमपिता, इसीलिए यहाँ आने का। प्रताड़ित क्या कारण किया जाता है? अरे बड़े जब अपने से छोटों को प्रताड़ित करते हैं तो अवश्य ही उसका कोई कारण, कोई उद्देश्य होता होगा। जिस कारण से प्रताड़ित किया जाता है उसका लाभ तो छोटे लेते नहीं, वे समझ ही नहीं पाते कि कार्य भी उनके हित में ही हो रहा है। वे केवल मन में क्रोध भाव धारण करके बड़ों के प्रति उलाहना लेकर बैठ जाते हैं। और आपने भी ऐसा ही किया है देवराज इंद्र। हाँ परमपिता, अब हुआ तो कुछ ऐसा ही है। जो हुआ है उसका ध्यान न करके जो करना है उसके ओर ध्यान देना अधिक हितकारी होगा। हम जानते हैं कि महिषासुर को असीम शक्ति का वरदान देने के कारण आप हमसे क्षुब्ध हैं और इस समय हमारी शरण में आना आपकी विवशता है। परंतु यह भी तो सत्य है कि देवताओं की सहायता करना हमारा पवित्र तथा नैतिक कर्तव्य है। और आप यह भी अवश्य जानते होंगे कि महिषासुर को वरदान देने के कारण हम उसके विरुद्ध आपकी प्रत्यक्ष रूप से सहायता नहीं कर सकते। इसलिए अब आपको भगवान विष्णु तथा शिव शंकर से भी अनुरोध करना होगा। आपका आदेश है तो अवश्य करेंगे हम उनसे अनुरोध। किंतु परमपिता, आप हमारी सहायता करना चाहते हैं इसीलिए हम पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास जाने में आप हमारा नेतृत्व करें। हमारे नेतृत्व करने से यदि आपको यह विश्वास होता है कि हम आपकी सहायता करना चाहते हैं तो हम अवश्य नेतृत्व करेंगे। महिषासुर देवताओं पर आक्रमण की तैयारियां करे इसके पहले देवताओं को अपनी रक्षा की तैयारियां कर लेनी होंगी। महाबली शंबरासुर की जय, दानववीर शंबरासुर की जय, महाबली शंबरासुर की जय। आओ असुरवीर, आओ, तुम्हारा स्वागत है। हमारे एक ही आह्वान पर तुम हमारे पास चले आए, हम प्रसन्न और उपकृत हुए। आओ असुरवीर शंबरासुर, मैं तुम्हारा परिचय अपने सेनापति और योद्धाओं से कराता हूँ। आओ, ये है हमारे सेनापति असिलोमा, महान योद्धा और साहसी वीर। असिलोमा,
आओ। ये है हमारे कुशल राजनीतिज्ञ वीर चिछुर। चिछुर ये है हमारे महान योद्धा विडाल। विडाल आइए। और ये है हमारे योद्धा उदर्क। उदर्क हम प्रसन्न हुए। आइए मित्र। बैठिए। दानव सम्राट महिषासुर, आपका उत्थान देखकर हमारा मन अति प्रसन्न हुआ। आपने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके स्वर्ग लोक पर अधिकार करने का जो विचार किया है वो समाचार भी हमें मिल चुका है। आप तुरंत स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने की तैयारी करें, हम सब आपके साथ हैं। देवताओं को पराजित करके स्वर्ग लोक को अपने अधिकार में कर लें और अपने पूर्वजों की भांति स्वर्ग लोक के सिंहासन की शोभा बढ़ाएं। समस्त दानव जाति आपकी सहायता के लिए प्रस्तुत है। हम तो उसी की तैयारी कर रहे हैं असुरवीर। अब आप आ गए हैं तो आपकी प्रेरणा से हमारा कार्य सरल हो जाएगा। होना ही चाहिए, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। ये है हमारी चमत्कारी गदा। इस गदा को हाथ में लेते ही आप असंख्य रूप में शत्रुओं के सामने प्रकट हो सकेंगे। अर्थात जब आप इस गदा को लेकर युद्ध भूमि में उतरेंगे तो अपने शत्रुओं के सम्मुख एक नहीं अनेक महिषासुर प्रकट होंगे। फिर वो किस किस पे प्रहार करेगा और जिस पर वो प्रहार कर रहा है वो मूल रूप से महिषासुर होगा भी अथवा नहीं, भ्रमित हो जाएगा वो। असुरवीर, हम आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे, ये गदा तुम्हें भूलने ही नहीं देगी। दानवराज, मेरा पूरा विश्वास है कि इस गदा के साथ आप अकेले ही समस्त शत्रुओं को पराजित करने में सफल होंगे। इस पर भी यदि मेरी आवश्यकता हुई तो आपके केवल एक आह्वान पर मैं अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में आ जाऊंगा। फिर देखना कैसे देवगण भागे भागे फिरते हैं। ये लो हमारी चमत्कारी गदा। असुरवीर, आपकी अद्भुत भेंट हमारे लिए बहुत उपयोगी है। पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की जय। पधारे ब्रह्मदेव, वैकुंठ लोक में आप सभी का स्वागत है। हम आपसे सहायता की याचना करने आए हैं श्री हरि विष्णु। दानवों का उत्पात पुनः आरंभ हो गया है श्री हरि। वो तो महिषासुर के प्रकट होते ही देव दानव युद्ध की संभावनाएं भी प्रकट हो गई थीं। ब्रह्मदेव के वरदान से यह परिणाम तो स्वाभाविक ही था। स्थिति जो भी है आपके सामने है, दानव फिर से उग्र होने लगे हैं, इसलिए देवराज ने हमें आपके पास आने को विवश किया। इनकी सुरक्षा का उपाय सोचना ही होगा। श्री हरि, महिषासुर ने पृथ्वी लोक पर तो अपना एक क्षत्र राज स्थापित कर ही लिया है, यहां तक कि ऋषि मुनियों को भी अपने अधीन बनाकर हमारा यज्ञ भाग भी छीन चुका है। अब तो पृथ्वी लोक से देवताओं का वर्चस्व ही समाप्त हो गया है। देवराज, इस समय आपको पृथ्वी लोक की चिंता का त्याग कर स्वर्ग लोक की चिंता करनी चाहिए। हम उसी के निमित्त तो आपके समक्ष आए हैं श्री हरि। स्वर्ग की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है श्री हरि कि त्रिदेव मिलकर हमारी सहायता करें। त्रिदेव में से दो तो यहाँ हैं और देवताओं की सहायता के लिए प्रयत्नशील भी हैं। शेष रहते हैं भगवान शिव, तो उनके मार्गदर्शन और सहायता के बिना हमारा सुरक्षा अभियान आगे नहीं बढ़ सकता। हमें उन्हीं के पास चलना होगा। दानव वीरों, हमें स्वर्ग पर आक्रमण करके अभिमानी इंद्र और उसके साथी देवताओं को अपना दास बनाना है। हमारे वरदानी सिद्धि के बल पर आप सब हमारे साथ स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। हमें किसी भी स्थिति में स्वर्ग पर अधिकार करना है। स्वर्ग से देवताओं को बहिष्कृत करना है। जय दानवराज महिषासुर की। जय।
भीरु देवताओं, तुम महिषासुर से बच नहीं पाओगे। महिषासुर, तेरी योजनाओं को हम कदापि फलीभूत नहीं होने देंगे। असुर सेना। हमारे साथी। बड़े चलो स्वर्गलोक। महाशक्तिशाली दानवराज महिषासुर की जय। असुराधिपति महाबली महिषासुर की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ब्रह्मदेव, आपका वरदानी दानव महिषासुर सेना सहित स्वर्गलोक की ओर प्रयाण कर चुका है, अर्थात अब संघर्ष आरंभ होने में अधिक समय नहीं है। देवराज, 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 ये दानव तो अति भयंकर है। उस महिषासुर के प्रहार से हम बाल बाल बच गए, उसकी शक्ति अपरिमित है। वो अपनी इच्छा मात्र से जितने चाहे उतने रूप बना सकता है। उस पर विजय पाना अत्यंत कठिन कार्य है। अब वो अपनी सेना सहित स्वर्ग पर आक्रमण करने वाला है। शीघ्र ही कुछ उपाय करें देवराज। हाँ देवराज, सुरक्षा का उपाय तो करना ही होगा। महाशक्तिशाली दानवराज महिषासुर की जय। असुराधिपति महाबली महिषासुर की जय। देखे भोलेनाथ, देखे, वो दुष्ट स्वर्ग की ओर बढ़ रहा है। आप त्रिदेव हमारी सहायता करें और उस दुष्ट को स्वर्ग की ओर बढ़ने से रोकें। देवराज, महिषासुर को इस समय रोकना असंभव है। भोलेनाथ, क्या आप त्रिदेवों के होते हुए वो दुष्ट मनमानी करेगा? क्या वो दुष्ट हमारे स्वर्ग पर अधिकार कर लेगा? महादेव, देवराज की प्रार्थना पर ध्यान देना, हम त्रिदेवों का कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य इस समय ब्रह्मदेव के दिए गए वरदान की सीमा में बंध चुका है, और उस सीमा का उल्लंघन करना ब्रह्मदेव के वरदान की अवहेलना होगी। आप सत्य कह रहे हैं शिव शंकर। देवराज, महिषासुर की सेना स्वर्ग की ओर बढ़ रही है, इसलिए आपके हित में यही उचित होगा कि आप उसे पूर्ण शक्ति से रोकें। जैसी आप त्रिदेवों की इच्छा। महाशक्तिशाली दानवराज महिषासुर की जय। असुराधिपति महाबली महिषासुर की जय।